नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप जो है अपने जो भी आपका फ़ोन है उससे बेटर क्वालिटी से में जो है सो आप पिक्चर खींच सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, पहले हम एक पहले जो शुरुआत से बताते हैं, बेसिकली बात यह है कि एक समय था जब एंड्रॉयड का कैमरा उतना अच्छा नहीं होता था, लेकिन उसके बाद गूगल जो है सो अपना कैमरा निकाला, सॉरी अपना कैमरा कहा गया, अपना फ़ोन निकाला। तो उसके बाद जो फ़ोन था ना उसका कैमरा इतना अच्छा था उस गूगल के कैमरे का, सॉरी गूगल के फ़ोन का, कि वो फ़ोन कैमरा के लिए फेमस हो गया। और जो है सो बाकी कंपनी उस कैमरा से जो है सो अपने फ़ोन का कैमरा कंपेयर करती है, लेकिन कभी भी उसके क्लोज़ भी नहीं जा पाती है। और बेस्ट कैमरा उसी फ़ोन का माना जाता है। और उस जो जिस फ़ोन का है उसका नाम है पिक्सल। तो पिक्सल डिवाइस जितना भी है, पिक्सल करके मतलब जितना भी मतलब गूगल का अपना फ़ोन है उसका कैमरा सबसे बेहतर होता है सभी फ़ोन से, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसका जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि उसका मेन एक जो रीज़न है उसका ये भी है कि उसका बेसिकली उसका जो सॉफ्टवेयर है, जो कैमरा ऐप है, उसके वजह से भी जो है सो बहुत सारा सुधार होता है उसके क्वालिटी में। और उस कैमरा ऐप की वजह से ही जो है सो मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा इमेज बढ़िया इमेज प्रोसेसिंग होता है। तो आपको भी वही करना है कि बेसिकली आपको गूगल कैमरा इंस्टॉल करना है। गूगल कैमरा इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने देखिए सभी फ़ोन का अलग अलग होता है। मेरा जो फ़ोन है रियलमी 3i है, तो रियलमी बेसिकली ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका फ़ोन कैम टू API सपोर्ट करता है या नहीं। ठीक है, आपको सिंपल सा करना है ना, उस उतना दिमाग मत लगाइए। पहले जो है सो आप अपने फ़ोन का नंबर टाइप कीजिए, मतलब आपने टाइप कीजिए गूगल सॉरी जी कैम फॉर, जैसे कोई भी आपका मॉडल है उसका नंबर टाइप कीजिए। देखिए जैसे हम टाइप किए हैं गूगल, अरे मेरा नेट कनेक्शन नहीं है अभी, तो जी कैम फॉर रियलमी 3 है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा कि मतलब जी कैम फॉर रियलमी 3 है। उसके बाद आपको जी कैम इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और उससे आपका जी कैम से जो भी देखिए जी कैम स्टेबल नहीं होता है हर एक फ़ोन के लिए, तो उम्मीद कीजिए मतलब सर्च कीजिए ऐसा जो आपके फ़ोन के लिए सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। ठीक है, तो स्टेबल वर्जन जो भी आपको अपने फ़ोन के लिए सबसे ज़्यादा मिले जिसमें सब चीज़ काम करे, तो वो डाउनलोड करने का कोशिश कीजिएगा। मेरे फ़ोन में ये देखिए जी कैम, ये जो है यही है जी कैम, ये इंस्टॉल है। तो हम आपको अभी पिक्चर कंपेयर करके दिखाएंगे कुछ पिक्चर। तो चलिए पिक्चर कंपेयर करने के लिए जो है पहले गैलरी में चलते हैं, तो देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स जो ओरिजिनल है वो इससे लिया गया है। देखिए हम आपको पहले ही दिखा देते हैं, पहले आपको कैमरा ऐप ओपन करके दिखा देते हैं। तो चलिए हम कुछ पिक्चर क्लिक करते हैं। देखिए देखिए ऐसे है, तो ऐसा है, एक लैंडस्केप ले लेते हैं। ठीक है, और लैंडस्केप हो गया, और एक पिक्चर क्लिक करेंगे जी कैम से, हो गया। और यही आप इसके ओरिजिनल ऐप से कैप्चर करेंगे। दोनों में HDR ऑन करके करते हैं, दोनों में HDR ऑन था, तो इसमें क्रोमा बूस्ट भी ऑन कर लेते हैं, उसके बाद कैप्चर करते हैं। हो गया, क्रोमा बूस्ट बेसिकली अप्लाई हो रहा है। अब इस दोनों फ़ोटो को जो है सो बेसिकली कंपेयर करते हैं। तो ऐप में जाएंगे और देखिए कंपेयर करेंगे, तो आप ये दोनों फ़ोटो देखिए। इस दोनों फ़ोटो में से आपको अभी ज़्यादा डिटेल मतलब ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन में जाएंगे तो देखेंगे ये फ़ोटो जो है सो 101 ISO में शूट किया गया है, जबकि ये फ़ोटो जो है 112 ISO में शूट किया गया है। रियलमी 3i लिखा हुआ है, ये बेसिकली इसका ओरिजिनल इसके स्टॉक कैमरा से शूट किया गया है जो कि 13 MP पर शूट कर रहा है। और जो है हमारा गूगल कैम है वो 8 MP पे शूट कर रहा है, और 8 MP का फाइल बनाया है ये 6.8 MB का, जबकि ये बनाया है 6.9 MB का। लेकिन कोई बात नहीं, 6.9 MB का बनाया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब हम असली कंपेयर करेंगे कि इसके डिटेल में जाएंगे। तो देखिए हम बेसिकली किसको जूम करें किसी भी चीज़ को लेते हैं। ये देखिए पेयर को जूम करते हैं, तो देखिए ये जो पेयर है, इस पेयर का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है सो यहाँ पे बेसिकली आ रहा है, लेकिन ये फट रहा है फ़ोटो। अब हम जी कैम पे चलेंगे, वही सेम पेयर,
अब देखिए इसका क्वालिटी, देखिए इसका क्वालिटी जो है ना, जी कैम का क्वालिटी ही ज़बरदस्त आता है, पता नहीं क्यों फटता नहीं है इमेज। जबकि ये 8 MP पे किया है इमेज कैप्चर, जबकि इतना में मतलब इतना ही जूम इसमें करेंगे तो पूरा फट जाएगा, डिटेल कोई डिटेल नहीं है, देखिए कोई डिटेल नहीं है ना। और जबकि इसमें इतना पे करेंगे तो ये देखिए एकदम कितना साफ डिटेल है। तो यही जी कैम में अंदर है, और भी बहुत सारा अंतर है। देखिए डायनेमिक रेंज भी जो है सो वैसे स्टॉक कैमरे का जो है सो ज़्यादा वाइड है, लेकिन डायनेमिक रेंज जी कैम का भी जो है सो डिटेल कैप्चर करने में जी कैम आगे है। इसको एडिट करेंगे तो उसके बाद ये ज़्यादा बेहतर डायनेमिक रेंज दिखाएगा। तो यही है, पता नहीं क्यों जी कैम बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। तो यही एक ट्रिक है जिससे कि आप अपने फ़ोटो का क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त जो है सो ले सकते हैं, ठीक है। तो और कुछ नहीं था, और भी कुछ फ़ोटो हम आपको कंपेयर करके दिखा देते हैं जो जी कैम से लिया गया है। देखिए जी कैम से ये फ़ोटो लिया गया है, ये पोर्ट्रेट देखिए इतना ज़्यादा डिटेल है कि इसका बियर्ड सब भी दिख रहा है, मतलब पूरा का पूरा बियर्ड दिख रहा है इसमें, पूरा का पूरा बियर्ड दिख रहा है, हल्का भी फट नहीं रहा है। ये कैम ये जो है सो जी कैम से लिया गया है, देखिए कितना ज़्यादा डिटेल है। तो जी कैम पता नहीं क्यों बेहतर परफॉर्म करता है। तो इससे इसी जी कैम भी आपने हर एक बात और, हर फ़ोन जी कैम सपोर्ट नहीं करता है, ये बात ध्यान रखिए। तो उम्मीद करिए कि आपका फ़ोन जी कैम सपोर्ट करता है या नहीं, ये देख लीजिएगा, नेट पे सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा आपका मतलब आपके फ़ोन में जो है सो वेब टू क्या बोलते हैं उसको, कैम टू API सपोर्टेड होना चाहिए आपका फ़ोन, यही होता है शायद, पता नहीं क्या होता है, भूल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ गया होगा, अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पीस।